दूध डेली वेज में यूज होने वाली एक ऐसी चीज है जो सुबह की चाय से लेकर रात तक इसका इस्तेमाल होता है, जिसे चाहकर भी आप पीना नहीं छोड़ सकते। यहाँ तक कि बच्चे, बूढ़े और गर्भवती महिलाओं को डॉक्टर्स हर दिन एक ग्लास दूध पीने की सलाह देते हैं। लेकिन क्या आपको पता है, जिसे आप दूध समझकर पी रहे हैं असल में वो दूध नहीं, जहर है। डरिए और जरूर डरिए, क्योंकि जो अब आपको पता चलेगा ना, वो बहुत ही डराने वाला है। दिल्ली NCR में मिलावटी दूध को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में एक रिपोर्ट दाखिल हुई है, और ये रिपोर्ट कहती है कि जो दूध दिल्ली में सप्लाई हो रहा है उसमें ऑक्सीटोसिन का इस्तेमाल किया जा रहा है। ऑक्सीटोसिन एक हार्मोन है जिसे इंजेक्शन के जरिए जानवरों को दिया जाता है। इसकी वजह से बच्चे उम्र से पहले बड़े हो जाते हैं, महिलाओं का अबॉर्शन हो सकता है, ब्रेन और लंग से जुड़ी गंभीर बीमारियां भी हो सकती है, यहाँ तक कि आपके शरीर को कैंसर अपनी गिरफ्त में ले सकता है। ऑक्सीटोसिन वही दवा है जिसे केंद्र सरकार साल 2018 में बैन कर चुकी है। तब सरकार की ओर से दावा किया गया था कि दूध की पैदावार बढ़ाने के लिए मवेशियों पर इसका गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे न केवल मवेशियों बल्कि दूध पीने वाले लोगों पर भी इसका गलत असर हो रहा है। ऑक्सीटोसिन को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट कितनी गंभीर है ये बताने की जरूरत नहीं है। दिल्ली हाई कोर्ट ने अधिकारियों को दिल्ली में गाय भैंस रखने वाली डेयरियों में ऑक्सीटोसिन के गलत इस्तेमाल के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा है। वहीं कोर्ट ने दिल्ली सरकार के ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट से वीकली इंस्पेक्शन करने और FIR दर्ज करने को भी कहा है। अब दिल्ली भी इस मामले की जांच करेगी। हाई कोर्ट के दखल के बाद हो सकता है कि इस प्रॉब्लम का सलूशन निकल भी जाए, लेकिन उस संकट का क्या जो पूरे देश में दानव का रूप धारण कर चुकी है, ये है अडल्टरेटेड मिल्क, यानी कि मिलावटी दूध। मार्केट जाइए और अपने चारों ओर देखिए, पनीर की भुर्जी, पनीर कोफ्ता, पनीर टिक्का, रसमलाई, चमचम और ना जाने दूध से बने कितने आइटम आपको दुकानों पर बिकते हुए मिल जाएंगे, लेकिन ये सब असली नहीं है, मतलब नकली दूध से बनाए हुए हैं। सच मानिए, क्योंकि अभी हाल ही में आई हेल्थ से जुड़ी एक रिपोर्ट बताती है कि भारत में बिकने वाला 68.7% दूध और दूध से बने प्रोडक्ट मिलावटी है। जी हाँ, वहीं कृषि मंत्रालय की रिपोर्ट कहती है कि भारत इस वक्त हर साल 17 से 20 करोड़ टन मिल्क का प्रोडक्शन कर रहा है। ये आंकड़े देखकर खुशी हुई होगी, लेकिन रुकिए जरा, अभी आपकी खुशी काफुर हो जाएगी, क्योंकि भारत में मिल्क कंजम्पशन यानी कि खपत 64 से 70 करोड़ टन सालाना हो रही है, यानी कि प्रोडक्शन से लगभग 4 गुना ज्यादा। ऐसे में सवाल ये उठता है कि मांग की डिमांड पूरी कैसे हो रही है। इसका मतलब प्रोडक्शन और कंजम्पशन के बीच खेल हो रहा है। इस खेल में आपकी सेहत तो बिगड़ रही है, फार्मर्स के फायदे पर भी बट्टा लग रहा है। बड़ी ही बदकिस्मती की बात है दोस्तों, जिस देश में दूध की नदियां बहती हो, सेंट्रल पशुपालन और डेयरी मंत्रालय की 2024 की रिपोर्ट के मुताबिक जो देश पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा दूध उत्पादक देशों की लिस्ट में शामिल है, और तो और जो देश वर्ल्ड के टोटल मिल्क प्रोडक्शन में 24% का योगदान दे रहे हैं, उस देश में मिलावटी दूध मिल रहा है। वहीं पर पर्सन मिल्क अवेलेबिलिटी की बात करें तो एक आदमी को पौवा भर भी दूध नहीं मिलता है, और जितना मिलता है वो भी नकली है। भारत में सबसे ज्यादा दूध उत्पादन करने वाला स्टेट राजस्थान है, दूसरे नंबर पर यूपी आता है, लेकिन इस यूपी में दूध की मिलावट भी सबसे ज्यादा होती है। इसकी हामी यूपी के पूर्व दुग्ध विकास मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण पब्लिकली भर चुके हैं। वहीं अब दूध में साबुन, डिटर्जेंट, यूरिया की मिलावट तो नॉर्मल हो गई है भाई। अब मिलावट खोर फॉर्मलिन, कॉस्टिक सोडा, बोरिक एसिड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड और मेलामाइन जैसी केमिकल दूध में मिलाने लगे हैं, जो इंसानी शरीर को बीमार से बहुत बीमार करने के लिए काफी है। कई बार इन केमिकल से होने वाली बीमारियां इतनी गंभीर हो जाती है कि इंसान की मौत भी हो सकती है। वहीं मिलावटी दूध को लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन भी भारत सरकार के लिए एडवाइजरी जारी कर चुका है। WHO का कहना है कि अगर मिलावट नहीं रोकी गई तो भारत की 87% आबादी साल 2025 तक कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी का शिकार हो सकती है। लेकिन इसे लैक ऑफ लॉ ही कहेंगे दोस्तों, कि मिलावट खोरी को लेकर बार बार छापे पड़ते हैं और आरोपी आसानी से छूट जाते हैं, इसलिए दूध में मिलावट का सिलसिला बदस्तूर जारी है।